हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास यानी हिस्ट्री के पहले पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को क्या करना है, छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक में लिख के याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब सभी बच्चों से हमको चाहिए, कमेंट पूरा भर जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, यंग इटली का स्थापना किसने किया, जो यंग इटली है उसका स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबोर ने, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एच डब्ल्यू का जो हम प्रश्न दिए थे उसका सबसे पहले जिनका सही जवाब आया हुआ है, कुलदीप राज बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा। प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो जितने बच्चों का ऋण आवेश है उनका कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया। लाल कुर्ती क्या था, एक संगठन था, उसका गठन किसने किया पूछा गया है। ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है नेपल्स ने, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने। तो जो लाल कुर्ती था उसका गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया है वो है अंशु कुमार, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है। और आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए, तो लास्ट का जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग सही कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले दिन आपका आ जाएगा जवाब स्क्रीन पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। तीन नंबर प्रश्न है, विलियम प्रथम कहाँ के शासक था। जो विलियम प्रथम था वो पूछा गया है कहाँ का शासक था। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे प्लीज नोटबुक पे लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है इटली के, बी ऑप्शन है प्रशा का, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, डी ऑप्शन है यूनान का। पूछा गया है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो ये प्रशा का था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है टुन्ना कुमार, बोल रहे हैं ऋण आवेश, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है साम्यवादी, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है फासीवादी, डी ऑप्शन है पूंजीवादी। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फासीवादी का हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रोहित कुमार, तो बिल्कुल आपका जवाब रोहित कुमार सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। पांच नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था। पूछा गया है इसमें कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का राजा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब है वो है समक्ष तिवारी, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और जिन बच्चों का कमेंट, अगर कितने बच्चों ने धन आवेश किया था, तो उनको आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए, और इस वीडियो के जो लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। छह नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, किस युद्ध के बाद इटली का एकाकरण पूरा हुआ। पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जो इटली का एकाकरण हुआ है वो पूरा हुआ। ए ऑप्शन है सेडोवा का युद्ध, बी ऑप्शन है सीडान का युद्ध, सी ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, डी ऑप्शन है प्रशा का युद्ध। तो पूछा गया है यहाँ पे कि किस युद्ध के बाद इटली का एकाकरण हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ, इटली का एकाकरण का पूरा हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है आदर्श कुमार, बोल रहे हैं ऋण आवेश, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। सात नंबर प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मास्को।
तो हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शिवम राज। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, रीनावेश होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, वर्षाए की संधि कब हुई थी? जो वर्षाए की संधि हुई थी कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो जो वर्षाए की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 1919 के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है रूपम चौधरी, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा। तो बिल्कुल रूपम जी आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? पूछा गया है जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है एंजलस। तो जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है, किसने लिखा है? वो लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है बिरन सिंह, बोल रहे हैं कि मैथ का भी वीडियो डालिए। तो बिल्कुल मैथ का वीडियो डलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर, विस्मार्क क्या था? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो जो बिस्मार्क था पूछा गया वो क्या था? तो बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है सिद्धार्थ वर्मा, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। उसके बाद ऐसे एक बेल आइकॉन आता है इसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर, जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइज राज्य है उसका निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है लुइस 14वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो यहाँ पे पूछा गया कि जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रुपेंद्र पंडित, तो बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है। तो रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था, पूछा गया है। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियन प्रथम। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, क्या हो जाएगा, बिस्मार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे जलवेराइन एक संस्था थी, पूछा गया है यहाँ पे कि जलवेराइन एक संस्था थी किसकी थी? ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो जलवेराइन एक क्या थी, एक व्यापारियों की संस्था थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सोनू राज, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरी बाल्डी था वो पेशे से क्या था, यानी कौन सा काम करता था? ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है जमींदार।
तो जो गैरी बाल्डी था वो पेशे से क्या था, तो नाविक था। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनारी, सी ऑप्शन है फिलिक, डी ऑप्शन है डायट। तो यहाँ पे देखिए जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन से था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार, बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए धन आवेश ये बोल रहे हैं, तो धन आवेश नहीं होगा सचिन कुमार, यहाँ पे क्या होगा ऋण आवेश होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, जो फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था पूछा गया है। ए ऑप्शन है सीडान, बी ऑप्शन है सेडोवा, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ है वो कहाँ पे हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है सीडान में हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है फलमनी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सी, तो सी ऐसे आप कमेंट मत कीजिए, यहाँ पे आप लोग लिखिए ऋण आवेश या धन आवेश जो भी हो पूरा लिखिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है। इटली में पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है। ए ऑप्शन है मेटरनिक, बी ऑप्शन है मेजनी, सी ऑप्शन है नेपोलियन, डी ऑप्शन है गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे पूछा गया कि इटली में राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन है, तो ये नेपोलियन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं कि ऋण आवेश होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हनोई समझौता कब हुआ था, जो हनोई समझौता था वो कब हुआ था पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1942, बी ऑप्शन है 1943, सी ऑप्शन है 1944, डी ऑप्शन है 1946। तो जो हनोई समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुधीर कुमार, बोल रहे हैं ऋण आवेश होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है मेटर्निक कौन था, जो मेटर्निक था वो कौन था। ए ऑप्शन है प्रशांतमयवादी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन है क्रियावादी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा क्रियावादी। तो यहाँ पे देखिए जो मेटर्निक था वो कौन था, तो प्रशांतवादी था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था पूछा गया है। ए ऑप्शन है मेटर्निक, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है एबर्ट, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, तो मेटर्निक था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे, जो नेपोलियन का कोड था उसमें कितने कोड थे यही पूछा गया है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे, तो 5 कोड थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न काफी आसान है, पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है पूछा गया है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है कंबोडिया में, सी ऑप्शन है वियतनाम में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो जो भी आपका उत्तर होगा पूरा लिखिएगा, पूरा कमेंट कीजिएगा, ए बी सी डी ऐसे आपको कमेंट नहीं करना है, सबकी के कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। तो आपको क्या कर देना है, सभी लोगों को कमेंट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, बिना लाइक किए नहीं जाना है। अगर आपने
अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जो भाई बहन हैं पढ़ते हैं अगर 10वीं में, तो उनके पास ये वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे दबा के दीजिए ऑल पे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।